आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ईवीएम मशीनों की जांच कराई जा रही है। वह जिला कलेक्ट्रेट स्थित वीवीपैट गोदाम में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते इसकी व्यापक तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित वीवीपैट गोदाम में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम मशीनों की जाँच की जा रही है। बता दें कि ईवीएम मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग एफएलसी 27 जून तक चलेगी। बताना चाहेंगे जिले में इस कार्य के लिए डिप्टी कलेक्टर लवकेश ध्रुव को एफएलसी सुपरवाइजर नियुक्त किया गया है। साथ ही निर्वाचन आयोग भी एफएलसी की ऑनलाइन निगरानी कर रहा है। इस भवन में इस कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारियों को मोबाइल तक ले जाना मना है। साथ ही इसकी निगरानी के लिए सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं गोदाम के मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर भी लगाया गया है। इस मामले में उप जिला निर्वाचन अधिकारी बजरंग दुबे ने बताया कि जिले में कुल 1,464 मतदान केंद्र हैं। वर्तमान में कलेक्टर परिसर स्थित वीवीपैट गोदाम में कुल 3,434 बैलेट यूनिट, 2,079 कंट्रोल यूनिट, 2,279 वीवीपैट उपलब्ध है, जिसकी जांच की जानी है। साथ ही बताया कि कार्य के दौरान राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का अधिकृत एक एक प्रतिनिधि मौजूद रह सकता है। जिले में जो भी ईवीएम स्टोर्ड है हमारे पास, उनकी प्राथमिक जांच फर्स्ट लेवल चेक का कार्य जो है 10 जून से प्रारंभ हो चुका है और प्राथमिक जांच का ये कार्य 27 जून तक चलेगा। इस कार्य के लिए ECIL जो कंपनी भारत सरकार की, उसके 12 इंजीनियर्स आए हुए हैं और वही मॉक पोल कंडक्ट करा रहे हैं। इस गतिविधि में हमारे जो राजनीतिक दल के पदाधिकारी हैं वो भी उपस्थित रहते हैं, प्रतिदिन उनकी अटेंडेंस होती है और जो भी मॉक पोल कंडक्ट होता है उसमें वो आंखों से देखते हैं और अपना सेटिस्फैक्शन सर्टिफिकेट देते हैं। पुलिस विभाग की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई गई है, DFMD गेट पे इंस्टॉल किया गया है, साथ ही साथ 1-4 की गार्ड है जो आने जाने वालों का लॉग बुक मेंटेन रखती है और उस स्टोर रूम में निर्वाचन कार्य में लगे हुए व्यक्तियों का ही प्रवेश हो सकता है और किसी का प्रवेश वर्जित है। देखिए, हमारे ज़िले में कुल 1,464 मतदान केंद्र हैं, 1,464, उनके अनुपात में हमारे पास मशीनें सरप्लस हैं काफ़ी अधिक संख्या में, तो हम लगभग सारी ही मशीनों की FLC करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर रैंडमाइजेशन के बाद उन मशीनों का उपयोग करेंगे। FLC में मशीनों में जो बैलेट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और VVPAT है, इन तीनों मशीनों की हम जांच करते हैं कि वे सही तरीके से ऑपरेट कर रही हैं कि नहीं, और मॉक पोल कंडक्ट करके देखते हैं कि वोट कास्ट करने पे मशीन सही रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्गा से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।